नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। NIEPA नेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा अब एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है और इसमें दो प्रकार की पोस्ट निकाली गई हैं। पहली तो असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है और दूसरी LDC यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क की पोस्ट निकाली गई है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं LDC और असिस्टेंट के बारे में, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आई है, एज लिमिट क्या रखी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म भरना है, जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी वो सारी हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं। तो वैसे आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। 20 जुलाई 2024 को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। एम्प्लॉयमेंट नोटिस की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2024 है। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे, यहाँ पे देख लेना, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिविजनल क्लर्क LDC ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन टू फिल्ड अप एप्लीकेशन थ्रू अ पोर्टल 9/8/2024। तो लास्ट डेट 9/8/2024 है। LDC की जो पोस्ट है वो इस लास्ट डेट से पहले आप अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड ओनली, तो आपको जो फॉर्म है वो ओनली ऑनलाइन भरना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल इनका ये है www.niepa.ac.in, इसी के थ्रू जाकर आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। LDC की बात करें तो यहाँ पे देख लेना, लोअर डिविजनल क्लर्क है, ग्रुप सी के अंडर आती है, लेवल 2 की नौकरी है। सैलरी जो आपकी है 19,000 से लेकर 63,000 के बीच में आपको मिलने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो जर्नल की है और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट की गई तो जर्नल की 4 है, OBC की 3 है, SC की 2 है और EWS की 1 रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट में कहा गया प्लस टू क्लास पास आप होनी चाहिए या फिर इसके समकक्ष आपके पास कोई जो है डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद स्किल टेस्ट में कहा गया है, कंप्यूटर इंग्लिश टाइपिंग आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी जो टाइपिंग है वो आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। टाइम जो आपको दिया जाएगा वो 10 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। उसके बाद एज की बात करें तो मिनिमम 18 होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 27 साल होनी चाहिए, यहाँ पर बता दिया गया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में यहाँ पे कहा गया 35 वर्ड पर मिनट एंड 30 वर्ड पर मिनट कोरस्पोंडेंस टू 1000, ये वही सेम रहता है, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। हम आगे आ जाएंगे, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो रिटन एंड स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। एग्जैक्ट डिटेल शैल बी कम्युनिकेटेड थ्रू ईमेल, तो ये बताया गया है कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगी। इसका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा थोड़े टाइम के बाद। जर्नल टर्म्स कंडीशन देख लेते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई, भारत के नागरिक ही अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कहा गया है फीस रेट 1000 फॉर जर्नल, यहाँ पे बताया गया है जर्नल वालों की 1000 लिए फीस ली जाएगी। EWS OBC कैटेगरीज, यहाँ पे बताया गया है कि 1000 जो फीस है वो जर्नल EWS और OBC से बच्चों से लिए जाएंगे 1000 रुपये, बाकी जो बच गई रिजर्व कैटेगरी SC ST वालों से 500 रुपये यहाँ पे लिए जाएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं, तो ये बेसिक सी जानकारी है, ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगर कुछ इसके अंदर इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया गया है तो वो हम देख लेंगे यहाँ पे। और सम डोज नॉट इंटाइल इन केस लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, लिमिट नंबर्स, क्लोजिंग डेट, ये क्रूशियल डेट की बात की गई है। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी क्रूशियल डेट डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी विद रिगार्ड एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन एट्सेट्रा। तो जो आपकी एज है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो लास्ट डेट यानी कि 9/8/2024 से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये यहाँ पे बता दिया गया है। ओनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, तो पहले ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे बच्चों को, मतलब कि छटनी करेंगे, उन बच्चों को ही रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे आगे और देख लेते हैं क्या कुछ इसके अंदर दिया गया है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे कहा गया है वैकेंसी जो है वो घटाई बढ़ाई जा सकती हैं, और देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो ये देख लेते हैं। हाउ टू अप्लाई में कहा गया है डॉक्यूमेंट्स टू बी केप्ट हैंडी बिफोर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, प्लस टू की मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी होना चाहिए। उसके बाद आप देख लेना ये जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी है आपको JPG फॉर्मेट में, और
उसके बाद ये फीस हम देख चुके हैं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 1000 और बाकी एससी एसटी की 500 रुपये ली जाएगी। और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ये था एलडीसी के बारे में, एलडीसी यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं दूसरी जो पोस्ट निकाली गई असिस्टेंट के बारे में। सब कुछ सेम रहने वाला है, बस एजुकेशन क्वालिफिकेशन बस थोड़ा सा अलग रखा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, असिस्टेंट की पोस्ट निकाली है, ग्रुप सी के अंदर आती है, लेवल 6 की नौकरी है। सैलरी 35,000 से 1,12,000 आपको मिलने वाली है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 3 वैकेंसी है, जर्नल की 2 है और एससी की 1 वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 50% अंकों के साथ। आपने किसी भी स्ट्रीम में की है तो आप भर सकते हैं। मैक्सिमम एज की बात की गई है 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद करें तो ये बाकी सारा सेम रखा गया, ऊपर मैंने आपसे डिस्कस करके बता दिया है। रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा, ये जर्नल टर्म्स एंड कंडीशन है। भारत के नागरिक अप्लाई कर सकते हैं। फीस 1,000 रुपये लगेगी, एससी एसटी की 500 रुपये लगेगी। ये सारा मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ तो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए मैं नहीं बता रहा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय, उसके बाद आप भर लीजिएगा। अगर इंटरेस्टेड है तो देख लेना, और कोई भी आपको डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जैसे ही इसका सिलेबस और डिटेल से जो भी आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा उस चीज़ों को। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ यहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।